आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ नैंड गेट की मदद से। लॉजिक गेट्स के चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये नैंड गेट और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कहा जाता है। नैंड और नॉर गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ नैंड गेट की मदद से या सिर्फ नॉर गेट की मदद से हम लोग बाकी सारे गेट्स को रियलाइज़ कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिर्फ नैंड गेट की मदद से किस तरह से हम लोग एंड गेट, और गेट, नॉट गेट और नॉर गेट्स को रियलाइज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग नॉट गेट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नॉट गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक नैंड गेट लिए हैं और इसके दोनों इनपुट में हम लोग एक इनपुट दे रहे हैं जिसका वैल्यू हम लोग ए लिए हैं, तो इससे जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा ए डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट। और ए डॉट ए का वैल्यू आता है ए, इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। ये जो आउटपुट है ए कॉम्प्लीमेंट, ये एक्चुअली किस गेट का आउटपुट है? ये है नॉट गेट का आउटपुट। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इस नैंड गेट से जो आउटपुट मिल रहा है वो एक्चुअली नॉट गेट का आउटपुट है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नैंड गेट में जब हम लोग दोनों इनपुट में एक ही इनपुट देंगे दोनों इनपुट में, तो जो आउटपुट आएगा वो कॉम्प्लीमेंट आएगा उस इनपुट का। तो इस तरह से हम लोग नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक नैंड गेट के मदद से, या सिर्फ एक नैंड गेट यूज़ करके हम लोग एक नॉट गेट बना सकते हैं। दूसरा गेट जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे वो है एंड गेट। एंड गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एक नैंड गेट लिए हैं जिसके दोनों इनपुट में हम लोग जो इनपुट दे रहे हैं वो है ए और बी, जिसके कारण कि ये जो नैंड गेट का आउटपुट आएगा वो होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस आउटपुट को हम लोग एक दूसरे नैंड गेट में के दोनों इनपुट में दे रहे हैं, दोनों इनपुट में जैसे ही देंगे तो यहाँ से जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा ए डॉट बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार। ए डॉट बी का बार इंटू ए डॉट बी का बार का वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी का बार, और ये बबल फिर उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। इसलिए यहाँ जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। और किसी भी वेरिएबल का अगर दो बार कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं उसका मतलब हो गया कि उसका वैल्यू उस वेरिएबल के बराबर आ जाएगा। इसलिए इसका दो बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया कि इसका वैल्यू हो जाएगा ए डॉट बी। और ये जो आउटपुट आया है ए डॉट बी, एक्चुअली ये जो आउटपुट होता है ये एक्चुअली क्या कर रहा है, दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया है। और ऐसा एंड गेट में होता है। इस तरह से ये जो गेट बना मेरा दो नैंड गेट को यूज़ करने के बाद ये जो गेट मेरा बन रहा है वो है एंड गेट। तो इस तरह से दो नैंड गेट की मदद से हम लोग एक एंड गेट बना सकते हैं। थर्ड गेट जो हम लोग अभी इम्प्लीमेंट करेंगे वो है और गेट। और गेट को नैंड गेट के हेल्प से बनाने के लिए हम लोग यहाँ दो नैंड गेट लिए हैं। पहला वाला नैंड गेट में के दोनों इनपुट में हम लोग ए इनपुट दे रहे हैं, और जो सेकेंड वाला नैंड गेट है उसके दोनों इनपुट में हम लोग बी इनपुट दे रहे हैं, जिसके कारण कि ये जो पहला वाला नैंड गेट है उसका आउटपुट हमको मिलेगा ए का कॉम्प्लीमेंट, और सेकेंड वाले नैंड गेट का आउटपुट मिलेगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों जो आउटपुट आया दोनों गेट का, उसको हम लोग एक तीसरे नैंड गेट में देंगे, तीसरे नैंड गेट के इनपुट में दे रहे हैं। तो इस गेट से जो आउटपुट मिलेगा वो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। तो ये वैल्यू होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट वाला टर्म आ गया, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम से। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे फर्स्ट थ्योरम से, तो इसका वैल्यू आ जाएगा ए का डबल कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का डबल कॉम्प्लीमेंट। और किसी भी वेरिएबल का दो बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो वेरिएबल, इसलिए ए का डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू ए आएगा, बी का डबल कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू बी आएगा। तो ये जो वैल्यू आया मेरा आउटपुट का वो आया ए प्लस बी, मतलब कि दोनों इनपुट को ये ऐड कर दे रहा है। और ऐसा और गेट में होता है, इसलिए ये जो मेरा गेट बना है वो बना और गेट। इसका मतलब ये हुआ कि और गेट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको कम से कम तीन नैंड गेट का ज़रूरत होगा, मतलब तीन नैंड गेट की मदद से हम लोग और गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या फिर बना सकते हैं। अब चौथा गेट जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नैंड गेट के मदद से वो है नॉर गेट्स।
नॉर गेट को बनाने के लिए नैंड गेट की मदद से हम लोग यहाँ फिर दो नैंड गेट लिए हैं। दोनों नैंड गेट में हम लोग दोनों इनपुट में एक ही इनपुट दे रहे हैं, जैसे पहले वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट में ए दे रहे हैं, दूसरे वाले नैंड गेट के दोनों इनपुट में हम लोग बी दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा पहले का वो आएगा कॉम्प्लीमेंट ए का और दूसरे में आएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इस दोनों गेट का जो आउटपुट है उसको हम लोग तीसरे नैंड गेट में दे दिए, तो यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका कॉम्प्लीमेंट दे देगा। फिर डी मॉर्गन थ्योरम से इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू ए प्लस बी आएगा। अब ये जो आया है ये और गेट का आउटपुट है, लेकिन हमको नॉर गेट चाहिए, तो फिर इस इनपुट को फिर हम लोग एक चौथा नैंड गेट लेंगे, उसके दोनों इनपुट में ये वाला इनपुट डाल देंगे ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा इसका ये बबल, और यहाँ जो आउटपुट निकालेंगे तो ये आउटपुट क्या मिलेगा, जो भी इनपुट है उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये जो आउटपुट आता है मतलब दोनों इनपुट को ऐड करके कॉम्प्लीमेंट, ये एक्चुअली नॉर गेट का आउटपुट है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नॉर गेट को बनाने के लिए कम से मिनिमम हमको चार नैंड गेट का रिक्वायरमेंट होता है। इस तरह से हम लोग बेसिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिर्फ नैंड गेट के मदद से। नॉर गेट बनाने के लिए कम से कम चार नैंड गेट चाहिए, और गेट बनाने के लिए तीन नैंड गेट चाहिए, एंड गेट बनाने के लिए दो नैंड गेट का यूज़ होता है, और नॉट गेट बनाने के लिए एक नैंड गेट यूज़ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग लॉजिक गेट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नॉर गेट की मदद से।